आपकी नजरें होंगी हमारी आंखें और होगी आपके आसपास की फैल रही बीमारियों के उपचार की बात, होगी राजनीति, खेल और फिल्म जगत से जुड़ी तमाम हस्तियों की फिटनेस और बीमारियों के बारे में बात। हम बताएंगे कौन सा फल और कौन सी सब्जी बनेंगे आपके दोस्त और रखेंगे आपको बीमारियों से दूर। तो हो जाइए तैयार, एक खास प्रोग्राम को लेकर आ रहा हूँ मैं अंकुर अस्थाना और मैं रिजवान खान। इस प्रोग्राम का नाम है GST। ना, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं बल्कि गुड सॉल्यूशन फॉर ट्रीटमेंट। आजकल का बढ़ता प्रदूषण और गलत खान पान लोगों को अनेकों बीमारियों से ग्रसित करता जा रहा है, जिसके कारण लोग अक्सर मोटापे के शिकार हो जाते हैं। वहीं मोटापा होने के बाद अक्सर महिलाएं एक्सरसाइज करने के अलावा जिम का सहारा लेती हैं। अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि सिर्फ जिम जाने से उनकी सेहत अच्छी रह सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको बता दें कि जिम करने के साथ साथ आपको अपनी डाइट पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे आप खुद को सेहतमंद रख सकें। वहीं जिम जाने वाली महिलाओं को अपनी डाइट में मिनरल्स, प्रोटीन और विटामिन्स वाले फूड्स को शामिल करना चाहिए, जिससे महिलाओं को भरपूर मात्रा में एनर्जी मिल सके और खुद को स्वस्थ रख सकें। आइए आपको बता दें कि जिम जाने वाली महिलाओं को किन तीन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना नहीं भूलना चाहिए। नंबर वन, आपको बता दें कि खजूर में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा आदि पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिसके सेवन से आप हमेशा स्वस्थ और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। वहीं खजूर में 60-70% तक शर्करा मौजूद होती है और आपका वजन को तेजी से कम करती है। इसके अलावा आप खजूर को दूध में भिगोकर खाते हैं तो इससे आपको काफी फायदा महसूस होता है, साथ ही आपका वजन तेजी से कम होता है। नंबर टू, वहीं अंडा आपकी सेहत के लिए एक बेहद लाभकारी साबित होता है। अगर आप जिम जाती हैं तो अंडे का सेवन करना ना भूलें। आपको बता दें कि एक अंडे में लगभग 7-9 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है, जो आपकी सेहत के लिए बेहद कारगर साबित होता है। इसके अलावा आप दलिये का भी सेवन कर सकती हैं। इसका सेवन आपको दिन भर एनर्जी से भरपूर रखता है। बेहतर होगा आप अपने ब्रेकफास्ट में दलिये का सेवन अवश्य करें। कर्नल डेस्क से रानी गुप्ता की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।